मैं दुनिया के बहुत से देशों में घुमा हूं और उन देशों में घुमा हूं जो भारत से करीब 16,000-18,000 मील दूर पर है, जहां पहले कोई भारतीय शायद गया हो, ऐसे देशों में भी मैं गया हूं। लेकिन जहां भी मैं गया लोगों ने मुझे आदर दिया, मुझे प्यार किया। एक बहुत छोटा सा अटलांटिक महासागर में बहुत छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है, उसकी लंबाई चौड़ाई 15 मील तो लंबा है वो और 10 मील चौड़ा है, इतनी बड़ा आइलैंड है वो। वहां करीब 1,000-1,500 की आबादी लोग रहते हैं। हम उस आइलैंड में पहुंच गए कुछ वर्ष पहले की बात। वहां पहुंचे और वहां के एक व्यक्ति थे जो कहीं दूर से जानते थे, तो ये हुआ कि वो आएंगे आपको वहां पर रिसीव करेंगे। हम जब वहां उतरे तो वहां वो आदमी आया नहीं अभी तक, तो एयरपोर्ट छोटा सा, छोटा जहाज उतरता था उसे हम गए थे। वहां हम घूमने लगे, वहां पर एक आदमी दूर से देखा तो मेरे पास आ गया। मेरे पास आकर मेरे से पूछने लगा कि आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया कि मैं तो भारत से आया हूँ। भारत से आप आए हो? जी हाँ। कैसे आए? तो वो जो आइलैंड है वो फ्री है, वहाँ किसी का पासपोर्ट या किसी को जाने आने की मनाई नहीं, दुनिया कोई आदमी वहाँ जा सकता है। तो कहा कि कैसे आए हो? और वो स्मगलरों का अड्डा है, दुनिया के लोग स्मगलिंग करने वाले वहाँ करते हैं। तो मैंने उसे कहा, हम कहा कि मैं तो यहाँ पर ऐसे आया हूँ। कहा कैसे आए हो? तो मैंने कहा, हम कहा कि मैं धर्म प्रचारक हूँ और यहाँ पर फिलॉसफी और योग की शिक्षा देने आया हूँ। बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे से कहने लगा कि आप आइए। उसकी दुकान थी वहाँ पर, वो ले गया वहाँ पर बैठा दिया मुझे। जब वहाँ बैठे थोड़ी देर में वो आदमी जो मुझे लेने आने वाला था वो भी आ गया। पता लगाते लगाते तो बताया, हाँ स्वामी जी एक लाल कपड़े पहने हैं, ऐसे ऐसे बोले कि वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ आ गया, मिला मुझे। खैर हम उसके घर गए, वहाँ गए तो वो भी मेरे साथ गया जब हमें बैठाया था। तो वहाँ एक घंटे मेरा प्रवचन हुआ। अब प्रवचन होने के बाद वो कहने लगा कि आपने तो ये बात हमें कभी किसी जन्म में सुने ही नहीं थे, हमारे बाप दादे भी नहीं सुने होंगे जो आप हमें बता रहे हो। तो हम वहाँ पर 5 दिन रहे उस आइलैंड में, और 5वें दिन रोज सत्संग करते रहे। सवेरे योग की क्लास लगाते थे, लोगों को प्राणायाम सिखाते थे और ध्यान सिखाते थे, और उसके बाद में सायंकाल को 1 घंटे प्रवचन देते थे। वहाँ भाषा अंग्रेजी लोग जानते, दूसरी भाषा जानते नहीं। तो अब जिस दिन हम चलने लगे तो वो सब बहुत आदमी रोने लगे। तो मेरी एक शिष्या मेरे साथ थी जो अभी आई थी, कृष्णकांता जी, तो उन्होंने मेरे से कहा गुरुजी हम तो सोचते थे कि भारत के ही लोग जब आप जाते हो तो रोते हैं, अब यहाँ तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, जान पहचान नहीं, 4 दिन के लिए आए तभी लोग रो रहे हैं। तो कारण क्या है इसका? कारण ढूंढो। इन लोगों ने हमें, हम तो अपरिचित आदमी थे यहाँ पर, इन लोगों ने हमारे में क्या देखा, क्यों इनका इतना प्यार हो गया? मैं एक से पूछा, उनका भाई क्यों रो रहे हो तुम? वो कहने लगा कि पता नहीं किस जन्म के पुण्य के परिणाम से आप मिले, दोबारा फिर ऐसा कोई आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए रो रहे। तो मेरे कहने के प्राय कि मैं दुनिया में जहां गया सब जगह मुझे प्यार मिला और सब मुझे अपना लगा, कोई गैर लगा ही नहीं, कभी ये नहीं लगा कि ये गैर लोग हैं। अब वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। उनका आहार विहार उनके साथ है, मेरा आहार विहार अपने साथ है। हम हमारे लोग पूछते थे क्या खाते हो, हम कहा कि दूध पीते हैं, फल खाते हैं, और दूध फल दुनिया में सब जगह मिल जाता है, जहां चले जाओ वहां दूध मिला, फल मिल जाएगा। तो मेरे कहने के प्राय कि व्यवहार से, आपका व्यवहार, यदि आप दूसरे के हित की बात करेंगे और अपना कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे तो दुनिया आपको प्यार करेगी, और यदि आपका स्वार्थ बढ़ता जाए तो आपका बाप ही आपको प्यार नहीं करेगा। दूसरे की बात छोड़िए, जिसको आप अपना मानते हो वही आपको प्यार नहीं करेगा। स्वार्थी स्त्री हो जाए तो पति की दृष्टि से गिर जाती है, स्वार्थी पति हो जाए तो स्त्री की दृष्टि से गिर जाता है, स्वार्थी लड़का हो जाए तो बाप की दृष्टि से गिर जाता है, स्वार्थी बाप हो जाए तो लड़के की दृष्टि से गिर जाता है, और स्वार्थी भाई हो जाए तो भाई की दृष्टि से गिर जाता है। दुनिया में जितने संबंध हैं वो तब तक हैं जब तक आप स्वार्थी न बने। जहां आपका स्वार्थ प्रबल हुआ वहां आपका संबंध विच्छेद हुआ, ये बात याद रखो। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान कहते हैं आत्मा ही आत्मा वर्ण आत्मा,
आपकी आत्मा ही आपका मित्र है, आपकी आत्मा ही आपका शत्रु है। आप अपने आप को चाहे अपना शत्रु बना ले, चाहे अपने आप को अपना मित्र बना ले, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग यहाँ विश्राम पाता है। कल फिर आपको मैं बहुत सी बातें इस विषय में बताऊंगा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीराम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण की दृष्टि करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि मनुष्य अपने उत्थान और पतन का स्वयं जिम्मेदार है। यह नियम केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं है, व्यक्ति, परिवार, जाति, समाज और राष्ट्र, इन चारों के ऊपर यही नियम लागू होता है। जो राष्ट्र अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करता, स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह कभी भी दूसरे के सहारे से उठकर खड़ा नहीं हो सकता। जो जाति अपने उत्थान के लिए प्रयत्नशील नहीं होती, दुनिया में कोई भी शक्ति उसका उत्थान नहीं कर सकती। इतिहास इसके लिए साक्षी है, एक डिवाइन लॉ है, दिव्य नियम है कि मनुष्य अपना उद्धार और अपना पतन स्वयं के द्वारा ही करता है। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि कैसे हम जाने कि हम अपने उत्थान में लगे हैं या पतन में। तो भगवान ने इसके लिए एक क्राइटेरियन अंग्रेजी में कहते हैं, एक लक्षण बताया। लक्षण उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे, ये तो निर्देश है, आदेश है, और इसके लिए साधन क्या है का आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मन। क्योंकि अपनी आत्मा ही अपना बंधु है और अपनी आत्मा ही अपना शत्रु। जिसकी आत्मा बंधुवत सुहृदवत कर्म करती है उसका उत्थान हो जाता है, और जिसकी आत्मा शत्रुवत व्यवहार करती है उसका पतन हो जाता है। तो कैसे हम समझें, वह कौन सी ऐसी विधि है जिससे अपनी आत्मा अपने साथ बंधुवत व्यवहार करे, शत्रुवत न करे। भगवान ने कहा दूसरे श्लोक में, यहां पर गीता छठे अध्याय के तीन श्लोक हैं और मैं समझता हूं
कि मानव समाज की उन्नति के लिए इससे बढ़िया उपाय किसी दूसरे शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। गीता को मैं केवल मोक्ष शास्त्र ही नहीं मानता, गीता समाज शास्त्र ही, गीता धर्म शास्त्र है, गीता अर्थ शास्त्र है, गीता मोक्ष शास्त्र है। मनुष्य के जीवन के लिए जितने प्रकार के ज्ञान आवश्यक हैं, उन समग्र ज्ञानों का मूल स्रोत गीता में निहित है। गीता अपने आप में पूर्ण दर्शन है, पूर्ण दर्शन, एकांगी नहीं। कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा कि गीता उपनिषदों का सार है, लेकिन मेरे विचार से इतना कहने से गीता की महिमा बढ़ती नहीं, घटती। घटती कैसे है? ऐसे घटती है कि उपनिषदें जो हैं उनका प्रवचन ऋषियों ने किया है, और किसके लिए किया है? जिसने अपने गृहस्थ के सारे कर्मों को पूरा करके व त्याग करके केवल मोक्ष की अभिलाषा से प्रेरित हो, हाथ में सूखी लकड़ी लेकर के, संविधा लेकर के गुरु की तलाश की, अपनी जिज्ञासा को ऋषियों के सामने व्यक्त की। ऋषि ने कहा कि परीक्षा लेकर के तुम्हारी, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, और ऋषि ने परीक्षा लेने के पश्चात फिर उसे उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? मोक्ष धर्म का। इसका अभिप्राय यह है कि उपनिषदें जो हैं वो आपके व्यवहारिक जीवन का कोई ज्ञान आपको नहीं देते, उपनिषदों का ज्ञान उसके लिए है जो व्यवहारिक जगत से अब मुड़ चुका हो, दूसरे शब्दों में अघा गया हो या फेडअप हो चुका हो, और अब उसे केवल मोक्ष की चाह हो, उसके लिए उपनिषदों का संदेश। लेकिन गीता, गीता ऐसा ग्रंथ नहीं। गीता का जिज्ञासु हाथ में संविधा लेकर के सारे कर्तव्यों का त्याग करके ब्रह्म विद्या की खोज में नहीं निकला है, वो तो हाथ में धनुष बाण लेकर के अपने पीठ पर तरकश बांध करके अगल बगल दो तलवारें और खड़ग धारण करके एक विशाल रथ के ऊपर बैठकर शत्रु की तलाश में निकला है। पढ़ते हो ना आप लोग गीता? उसमें गीता का जिज्ञासु अर्जुन शत्रु की खोज कर रहा है, ब्रह्म की खोज नहीं कर रहा। भगवान से कहता है, भगवान सेवियों भयोर मध्य रथम स्थापे में च्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। क्या करेगा भाई? यावत देता निरीक्षाम योद्ध का मान वस्थितान कर्मे असहयोधव्यम अस्मिन् समुद्र में, जरा मैं देखूं तो कि इस युद्ध में कौन है मेरे साथ युद्ध करने वाला, मैं उनको देखना चाहता हूं। कहने का अभिप्राय, अपने प्रतिद्वंदी की तलाश कर रहा है वो, शत्रु की तलाश कर रहा है वो, ब्रह्म की खोज में नहीं निकला। भाई शत्रु की तलाश करते करते ये ब्रह्म विद्या का प्रागट कैसे होगी? कहा शत्रु की तलाश करते करते जब आगे बढ़ा वो, तो अपने शत्रु के रूप में किसको पाए जानते हो? शत्रु के रूप में पाया अपने परम पूज्य गुरु को और अपने परम वंदनीय पितामह को। भगवान ने उसका रथ ले जाकर के
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितान् उवाच पार्थ पश्यतान् समयतान् कुरुनि। भगवान ने उसके रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में जहां भीष्म और द्रोण खड़े थे उनके सामने खड़ा कर दिया, और जहां उसके और कौरव वंश के लोग थे उनके सामने खड़ा कर दिया। कहा इनके साथ तुम्हें युद्ध करना, ये देख ले अपने शत्रुओं को। तुम कैसी विचित्र स्थिति है जरा सोचो तो। एक महायोद्धा ब्रह्म की तलाश में नहीं, अपने शत्रु के अपहरणकर्ता शत्रुओं की तलाश में कमर कस करके अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के समर भूमि में गया, और शत्रु की तलाश करते हुए उसे अपने सुहृद मिल गए जो कि शत्रु के रूप में खड़े थे। है दुख की बात ना, जिस पितामह की गोद में उबड़ा हुआ, जिस गुरु द्रोण ने उसे वह विद्या प्रदान की जो अपने पुत्र को नहीं दिया, अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करने वाले गुरु द्रोण और पिता के भी पूज्य पितामह भीष्म, उसके सामने अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो रथ पर तैयार है किसके लिए, उससे लड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में उसका हृदय करुणा से भर गया। कृपया परया विष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आकुल नेत्रों में आंसू भर आए, हृदय कृपा से भर गया। इन वृद्ध जनों को, इर्गुण जनों को शत्रु के रूप में अपने सामने देखकर क्या मैं कभी धनुष बाण उठा सकता हूं? कातर होकर के पुकार उठा, कृष्ण न कांक्षे विजयम, कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, अरे राम राम अहो पापम कर्तुम व्यवस्था भयम, हे प्रभो मुझे राज्य नहीं चाहिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? कहा भला सोचिए तो, कथम भीष्म महम संख्य द्रोणम च मर्द सूदन, इस भी प्रतियोगी पूजा रहा वर सूदन, भला मैं किस प्रकार से पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने धनुष बाण चलाऊंगा? ये तो मेरे पूजा के पात्र हैं या बाण के पात्र हैं? कैसी स्थिति आ गई होगी उसके सामने। किं कर्तव्य विमूढ़ हुए उस परम वीर अर्जुन के इस विषादग्रस्त स्थिति से मुक्त करने के लिए और उसे पुनः स्वधर्मनिष्ठ बनाकर लोक कल्याणार्थ युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है। इसलिए गीता एक नीति शास्त्र है, गीता एक धर्म शास्त्र है, गीता एक कर्म शास्त्र है, और फिर गीता मोक्ष शास्त्र है। क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना मोक्ष को प्राप्त करने की प्रार्थना, भगवान से कहता है यश्रेयस्यान्निष्ठितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्त्यहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्, आखिर में अपने आप को शिष्य रूप में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे करुणा निधान प्रभु, जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा लोक और परलोक दोनों बने, वही मार्ग मुझे बताई। इसलिए भगवान ने वहां पर
परलोक की सिद्धि का हेतु ब्रह्म विद्या और लोक की साधिका योग विद्या, इन दोनों का साथ साथ उपदेश दिया। और गीता का मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या मनुष्य के लिए, अंग्रेजी में बताओ तो उसे कहते हैं थ्योरिटिकल एस्पेक्ट। वह पहलू है मनुष्य के जीवन के विकास के लिए जिसको आप दर्शन के रूप में, तत्व विज्ञान के रूप में जानते हैं। और योग विद्या वह विद्या है जिससे आपको कर्म विज्ञान का बोध होता है। तत्व विज्ञान और कर्म विज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ लो। आजकल जो मेडिकल प्रोसेस चला है उसमें डॉक्टर को इतना तो पता है कि इस दवा में इस प्रकार के सॉल्ट हैं और इस रोग में इसको देने से फायदा होगा, ये भी पूरा पता है कि नहीं, लेकिन पढ़ा है उसने और अपने पढ़ाई के अनुसार उसने वो दवाई उसे दे दी। लेकिन ये सॉल्ट कैसे निकाले जाते हैं, कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, इसका मूल प्रोसेस क्या है, इस विषय में वो अनभिज्ञ, इस विषय का उसे बोध नहीं है। वो तो ट्रेडमार्क लगा हुआ है, अमूक कंपनी का ऐसा बनता है, दे दिया आपको, आप यदि अच्छा हो जाए तो आपका सौभाग्य है और यदि आपको रिएक्शन कर जाए तो आपका दुर्भाग्य है। उसने तो जो पढ़ा था वैसे आपको दे दिया। लेकिन प्राचीन काल में भारत में एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया क्या थी भाई? आयुर्वेद का ज्ञाता जो था वैद्य, वो आपकी नाड़ी पकड़ता था और ये देखता था कि आपके रोग का मूल कारण क्या है और उस कारण को कैसे नाश किया जा सकता है। रोग में दो प्रकार के कारण होते थे, एक तो तत्व का अभाव और दूसरा यानी तत्व की वृद्धि। तत्व की वृद्धि यानी विपरीत तत्व की वृद्धि और आवश्यक तत्व का अभाव, दोनों से रोग होता है। केवल अभाव से ही रोग नहीं होता, वृद्धि से भी रोग होता है, अभाव से भी रोग होता है। अब आयुर्वेद का ज्ञाता नब्ज पकड़ करके जान जाता था कि आपके रोग में क्या कारण है। यदि वो तो वृद्धि से रोग हुआ है तो उसके निवारण का उपाय देखता था कि किस औषधि से इस वृद्धि का निवारण होगा, और यदि अभाव से रोग हुआ है तो वो ये जानता था कि अमुक प्रकार की औषधि से इस तत्व की वृद्धि हो जाएगी और फिर आपके उसके अनुसार वो स्वयं औषधि को लाता था, उसको बनाता था, तैयार करता था और देता था। उसको विश्वास था कि मेरी बनाई हुई औषधि फेल नहीं हो सकती। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र, जिसमें व्यक्ति दोनों प्रकार के ज्ञान से, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ऐसे समझ लो, दोनों प्रकार के ज्ञान से युक्त हो वो तो होता है पूर्ण ज्ञानी, उस विषय का पूर्ण विशेषज्ञ। और जो एक प्रकार का ज्ञान तो है दूसरे प्रकार का ज्ञान नहीं है। ये जो औषधियां बनाते हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो बनाने वाले हैं उनसे पूछो कि ये जो बना रहे हो दवाइयां किस रोग पर काम आएगी, कहते हमें पता नहीं, हमें तो नुकसान मिला है और उसके अनुसार हम दवाई बनाकर दे रहे हैं। डॉक्टर को यह पता नहीं दवाई कैसे बनती है और बनाने वाले को पता नहीं कि प्रयोग कैसे होता है, दोनों का ज्ञान अधूरा है। लेकिन आयुर्वेद का जो विद्वान था उसको दोनों का बोध था कि दवाई ऐसे बनती है, उस रोग पर प्रयोग होता है। तो हमारे यहां भारतीय जीवन व्यवस्था में एक ऐसी दृष्टि ऋषियों ने दी है जो अपने आप में कंप्लीट है, परफेक्ट है। और उस परफेक्ट ज्ञान में दो पहलू है, एक बोधात्मक और दूसरा क्रियात्मक।
एक से तत्वबोध होता है और दूसरे से उसका प्रयोग होता है। तो जिससे तत्व का बोध होता है उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, और जिसको प्रयोगात्मक ज्ञान है उसको कहते हैं योग शास्त्र। तो गीता को आप जो पढ़ते हैं क्या आखिर में पढ़ते हैं, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, दोनों चीजें। तो गीता ब्रह्म विद्या है और गीता योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्या आपको मोक्ष प्रदान करती है, सीमा से मुक्त कर देती है, और योग शास्त्र आपको वर्तमान जीवन जीने की कला सिखाता है। वर्तमान जीवन जीने की कला, वर्तमान जीवन जीते हुए आप बंधन में न पड़े, यह तो योग शास्त्र का विषय है। और जिस बोध से आपको यह कला प्राप्त होती है वो ब्रह्म विद्या का विषय है। तो गीता में दोनों है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। अब जैसे भगवान ने एक श्लोक में आपको आदेश दे दिया, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम औषादेत, अपनी आत्मा के द्वारा अपना उद्धार करो, अपने को ऊपर उठाओ, अपने आप को डुबो नहीं। आत्मयो यात्मनो बंधुर आत्मयो रिपुरात्मना, अपने उत्थान के तुम स्वयं जिम्मेदार हो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा बंधु है और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। अब ये तो कह दिया भगवान ने, लेकिन अब कैसे पता चले कि भाई हमारा उत्थान जिस बंधुत्व भाव से होगा वो विधि कौन सी है, और कैसे पता चले जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे पतन के लिए है या उत्थान के लिए है। तो भगवान ने उसके लिए आगे संदेश दिया, बंधुर आत्मान मनस्तस्य एन आत्मना एन आत्मा एव आत्मना जीतः। अब ये लक्षण बता दिया भगवान ने, क्या लक्षण बताया, एन आत्मना आत्मानं जीतः तस्य मनः बंधु, जिसने अपनी आत्मा से अपने आप को जीत लिया है। ये आत्मा आत्मा को जीत लिया का अभिप्राय, या आत्मा माने शरीर, आत्मा माने इंद्रियां, आत्मा माने मन और आत्मा माने बुद्धि। ये आत्मा शब्द का प्रयोग गीता और उपनिषदों में अनेक अर्थों में होता है, और सही माने में आत्मा शब्द का तो अर्थ होता है चेतन। अब वो आपकी चेतना किस स्तर पर है, कल भी मैंने बताया था कि शरीर स्तर पर जो चेतना है वहां जब संकेत करेगा तो आत्मा माने आपका शरीर हो जाएगा, इंद्रिय स्तर पर जो चेतना है तो वहां आत्मा माने आपका आपकी इंद्रियां हो जाएगी, मन के स्तर पर जो चेतना है उसके लिए आत्मा माने आपका मन हो जाएगा, अहम के स्तर पर जो चेतना है वहां आत्मा माने अहम हो जाएगा, बुद्धि में अभिव्यक्ति जो चेतना है वहां पर बुद्धि आत्मा माने हो जाएगी। लेकिन तत्वतः आत्मा माने तो आत्मा है, आत्मा माने वह विशुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म, ऐसा समझ लो। वेद में इसी अर्थ में इसका प्रयोग है। अब यहां भगवान कह रहे हैं एन आत्मना आत्मानं जितः, जिसने अपने द्वारा यानी अपनी बुद्धि के द्वारा अपने इंद्रियों को अपने मन को जीत लिया है, तस्य मन आत्मना बंधु, उसका मन जो है वो तो उसकी आत्मा का बंधु बन गया। ये बीज मंत्र है किसका, उत्थान का। अब आप लोग ये देखें क्या आप इसमें प्रयत्नशील हैं कि आप अपने इंद्रियों को अपने मन को अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को जीत लें, आप उनके गुलाम न बने, आप उनके सामने पराजित न हो। क्या ऐसी इच्छा शक्ति ऐसा विल पावर आप में आया है, यदि नहीं आया तब तो आप हारे हुए हैं। जो अपनी आत्मा को जीत लिया है, आत्मा माने इंद्रियों को, आत्मा माने कामना को ऐसे समझ लो, अपनी इच्छाओं के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया उसकी आत्मा उसकी बंधु बन गई,
और जिसने इच्छाओं की दास्ता स्वीकार कर ली, हार गया है, उसकी आत्मा उसकी शत्रु बन गई। यहां आत्मा शब्द का अभिप्राय दूसरा प्रकृति है, क्योंकि बुद्धि से लेकर बुद्धि, अहम, मन, इंद्रियां, शरीर, ये किसके कार्य है? प्रकृति के। भूमि राप अनिलो वायु खमनो बुद्धिरे च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरेष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति के कार्य है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इनको आत्मा कहा भगवान ने। और इनको जिसने जीत लिया है, इनके अधीन जो नहीं हुआ, इनके पीछे जो नहीं दौड़ता, इनकी गुलामी जो नहीं करता, इनसे अपनी महिमा जो नहीं मानता, वो तो आत्मजीत कहा जाता है। क्या सही माने में अपन ने आत्मजीत होने का प्रयत्न किया है? यदि नहीं किया तो अपन हारे हुए हैं। जब हारे हुए हैं तब तो अपना डुबो रहे हैं, उत्थान कहां से होगा? फिर तो डूबने के रास्ते पर चल रहे हैं। आप सोचिए, यदि आपकी कामनाएं आपके अधीन हैं, किसी पड़ोसी के घर के किसी सुंदर पदार्थ को देख करके बिना उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता समझे उसको पाने की कामना जागृत हो गई और रातों दिन उसी में उलझे रहे। एक कहानी मेरे गुरुदेव सुनाया करते थे पढ़ाते समय, विनोद में कहानी सुनाते थे। एक वैश्य परिवार रहता था, उसके घर में रोज कलह होता था सवेरे से शाम तक। और उसके बगल में एक पंडित जी थे, उनके यहां बड़ी शांति और भगवान की उपासना करते शांति से रहते थे। अब घर में जब वह वैश्य अपने दुकान से आवे तो कलह शुरू हो जाए और वहां देखे कि ये ब्राह्मण रोज जाता है भिक्षा मांगने सवेरे, और 10 जजमानों के यहां से सीधा, कहते हैं हमारे यहां आप क्या भी कहते होंगे, आटा और दाल जजमान दे देते थे। वो ले आता है, पंडितानी पकाती है, आराम से खाते हैं और सोते हैं, सायंकाल भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कोई कलह नहीं होता, कितने शांति से रहते हैं। तो रोज उसकी स्त्री कहे कि तुम आते हो दुकान से, यहां कलह शुरू कर देते हो, अपने पड़ोसी को देख लिया करो कि उनको भगवान ने कुछ नहीं दिया है तब भी वो शांति से रहते हैं। रोज सुनते सुनते उसके दिमाग में एक दिन बात आ गई, उसने कहा कि भाग माने इनको 99 का चक्कर नहीं है। उसने कहा कि ये 99 का चक्कर क्या होता है? कहा कोई नहीं, बता देंगे। एक दिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और 99 रुपए, सस्ती के जमाने थे, 99 रुपए चांदी वाले जो टन टन करते थे उसकी एक पोटली बांधकर उसके घर में डाल दिया। अब सवेरे पंडित तो चले गए भिक्षा में, पंडितानी जब घर गुहारने लगी तो देखा तो वहां कुछ पड़ा हुआ था, उसने खोला तो चमकते हुए चांदी के सिक्के, उसने गिना तो 99 थे, 99 थे। अब उसने सोचा कि इसे 100 तो बनाना चाहिए। अब 100 कैसे बने? 100 बनाने के लिए कोई दूसरा रास्ता था नहीं, पंडित जी भिक्षा मांग करके ले आते तो उसमें तो भोजन होता था। अब उसने सोचा कि यदि थोड़ा थोड़ा आटा इसमें से बचा लिया जाए तो कुछ दिनों में, क्योंकि सस्ती का जमाना था, कुछ दिन बीत जाएंगे तो हो सकता है कि रुपए का आटा बिक जाए। अब पंडित जी तो मांग करके उतना ही लाते थे जितने परिवार पड़ता था, परिवार में बच्चे भी थे पंडित और पंडितानी। अब क्या हुआ जानते हो? अब वो जो पंडित जी लाते थे उसमें से आधा तो रख लेती थी और आधे को पका कर देती थी। लड़का मांगता तो कहती अब नहीं है, पंडित दो रोटी ज्यादा मांगते तो कहती नहीं है। अब लड़के दिन भर काय काय करने लगे, वहां 99 तक शुरू हो गए। अब वही कला वहां शुरू हो गया, रोज लड़ाई शुरू हो गई,
तो अब वो एक दिन जब वो आए सेठ जी दुकान से, तो बगल में जैसे वहां कला शुरू हुई वैसे वहां भी हो रही थी। तो उनकी सेठानी ने कहा, क्या बात हो गई, इतने वर्षों तक इतने शांति से पंडित पंडितानी बच्चे रहते थे, अब उनके ऊपर क्या भीड़ आ गई जो वहां भी कला शुरू हो गई। कहा, देवी वो भी विज्ञान के चक्कर में पड़ गए हैं। अब वो चाहती है कि वो 99 का 100 बना ले। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि आदमी का लोभ 99 से 100 बनाने की जहां पर वृत्ति आई, तो 100 हो जाए, पूरा हो जाए, अधूरा क्यों रहे। यदि बगल वाले के यहां 100 है तो अपने 1000 हो जाए, 1000 है तो लाख हो जाए, लाख हो तो करोड़ हो जाए। अरे कहीं उसका अंत है भले आदमी नहीं। भारत की एक देवी हुई है, मैं विदेशियों को भी सुनाया करता हूं कि भारत में एक महिला हुई है। लोग कहते हैं स्त्रियां बड़ी लालची होती हैं, पुरुष तो अपने इच्छाओं को कंट्रोल भी कर रहे, लेकिन ये देवियां नहीं करने देती। देवियां क्षमा करना, तुम लोग नहीं कर रहा हूं। लेकिन बहुत ऐसी होती है। तो लोग कहते हैं कि देवियां जो है ये नहीं करने देती, ये और लगाए रहती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखो मेरे सहेली क्या, ये हमारे नहीं है, हमारे पड़ोसी क्या, ये हमारे नहीं है, आदि आदि कहकर प्रेरित करती रहती है। बेचारा उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए आदमी अनेकों प्रकार के, फिर ईमानदारी से तो पूरा नहीं कर सकता, तो बेईमानी में लग जाता है और कहता है ठीक है चलो। लेकिन मैंने कहा कि उपनिषद में एक महिला है भारत की, एक नारी जिसका नाम था मैत्रेयी, सुना होगा शायद कुछ लोगों ने नाम। जागवल के एक ऋषि हुए हैं, उनकी दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। जागवल ने निश्चय किया, बड़ी विपुल संपत्ति थी उनके पास, उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें परिब्रज्जा, अब हमें सन्यास ले लेना चाहिए। शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रार्थ में विजयी होते थे तो संपत्ति जो इनाम के रूप में रखा रहता था, प्राइज के रूप में सब उनको मिल जाता था, वो ले आते थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब हम सन्यास ले ले। तो उन्होंने दोनों देवियों को बुलाया, बैठा दिया, अपने सारी संपत्ति को दो भाग में बांट दिया। बांट करके कहा, कात्यायनी ये तेरा है और मैत्रेयी ये तेरा है। मैत्रेयी ने पूछा, भगवान आप? कहा, मैं तो परिब्रज्जा ग्रहण करने जा रहा हूं। मैत्रेयी सोचने लगी कि हम दो इनकी पत्नियां, दोनों इनमें श्रद्धा रखती हैं, दोनों इनकी सेवा करती हैं, इतनी विपुल संपत्ति है, दुनिया में इतना बड़ा सम्मान है, विदेहराज जनक ऐसे इनके शिष्य हैं, इतना होने पर भी ये परिब्रज्जा ग्रहण करने जा रहे हैं, सन्यास लेने जा रहे हैं, जिसका अभिप्राय जो सन्यास है वो इससे भी ज्यादा सुखदायक होगा। आदमी तो तभी किसी वस्तु को तभी छोड़ता है ना जब उसे अधिक मिले, ये तो मनुष्य की वृत्ति है। जहां वो है उससे अधिक मिलेगा तो उसे छोड़ेगा, और यदि उससे कम मिलेगा तो उसे क्यों छोड़ेगा वो। तो मैत्रेयी विचार करने लगी कि इससे भी अधिक कुछ मिलने वाला है, इसलिए छोड़ रहे। तो उसने पूछा, प्रभु आप तो परिब्रज्जा ग्रहण करने जा रहे हो और मुझे जो संपत्ति दे रहे हो इससे मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि देवी, एक संपत्तिशाली व्यक्ति के लिए जितनी सुविधा प्राप्त हो सकती है वो सुविधा तुम्हें इस संपत्ति से मिल जाएगी। सुविधा, क्योंकि संपत्ति आपको सुविधा दे सकती है, सुख नहीं देती। तो सुख देती है क्या रहा है संपत्ति से? आपने बहुत सुंदर मार्बल लगाकर ऊपर नीचे तक महल बना लिया है? लेकिन क्या उसे उस महल में आपको शांति दे देगी? संपत्ति से आप सुंदर पलंग खरीद कर ले आए, लेकिन नींद तो नहीं खरीद सकते, वो कंपोज खाकर भले सो जाए आप, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो संपत्ति नींद नहीं दे सकती। संपत्ति से आप साधन खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, देवी एक अमीर आदमी जितनी सुविधा की वस्तुएं ले सकता है वो सब संपत्ति से तुम्हें मिल जाएगी। पूछ लिया मैत्रेयी ने, क्या इससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी? उन्होंने कहा कि नहीं देवी, संपत्ति किसी को अमृतत्व प्रदान नहीं करती।
ना वित्तीय ना तर्पणीयो मनुष्य वेद की यह घोषणा है कि मनुष्य कभी संपत्ति से तृप्त नहीं होता, ये तो और अशांति देती है, अमृत कहां देगी। आप सोचिए भारत की उस महान महिला के जीवन को देखिए, उसने तुरंत सारी संपत्ति को लात मारा। लात मारते हुए कहा एन हम अमृता श्याम हम ते न किम कर, जो संपत्ति मुझे शांति नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती, अमृतत्व प्रदान नहीं कर सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। ऐसा करके उसने ठोकर मार दी, नहीं चाहिए मुझे कोई संपत्ति आपकी। याज्ञवल्क्य ने जब मैत्रेयी की यह बात सुनी उनका हृदय प्यार से भर गया, गदगद हो गए। उन्होंने कहा देवी मैं जानता था कि तू सही में उस तत्व की अधिकारिणी है। वहां पर मैत्रेयी को दिया हुआ याज्ञवल्क्य का उपदेश हमारे यहां उपनिषद विज्ञान कोश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में, तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि भारत की एक महिला, मैं लोगों से कहता हूं कि केवल मैत्रेयी के इस वाक्य को यदि तुम लोग याद रखो कि एन हम न अमृता श्याम हम तेन किम कुरियाम, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कभी आसक्ति में नहीं फंसोगे। जो तुम्हें शांति और अमृतत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं है उसको लेकर तुम क्या करोगे। तेन हम किम कुरियाम, क्या करूंगी लेकर उसे, यह सोचना शुरू कर दो। यदि किसी वस्तु के प्रति तुम्हारी वृत्ति बनती है, मन दौड़ता है, तो सोचो कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, उसके परिणाम में जो मिलने वाला है क्या तुम्हारे अपने आप के उत्थान में हेतु है। यदि नहीं है तो उसे लेकर क्या करोगे भले आदमी, तुम सोचो। मैत्रेयी ने सोचा किसको लेकर मैं क्या करूंगी, दुनिया के उस वैभव को लेकर क्या करोगे जो तुम्हें अशांति देता है, जिससे तुम्हारे यहां कलह पैदा हो जाए, जिससे तुम्हें रात में नींद नहीं आवे, जिससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, उसको लेकर क्या करोगे भाई तुम। लेकिन नहीं, ऐसे होता है। एक सज्जन मेरे पास आए, बड़े दुखी थे और बहुत पैसे वाले। मैंने पूछा हमका भाई तुम इतने अशांत क्यों हो, कहा गुरु जी एकांत में बात बताऊंगा। मैंने सोचा कोई खास बात होगी जो एकांत में बता रहा है, वहां कुछ लोग बैठे थे, उनको कहा हमका भाई तुम लोग जरा दूर चले जाओ, तो कोई खास बात करना चाहते हैं। जब चले गए तो मेरे से कहने लगा हमका बताओ तुम्हें अशांति का कारण क्या है। वो कहता है कि पैसा इतना हो गया घर में, न रात में नींद आती है न दिन में नींद आती है, चिंता लगी रहती है कि ऐसा न हो कि इनकम टैक्स वाले रेड कर दें और मैं जेल में बंद हो जाऊं। मैंने उससे काम कहा भले आदमी फिर इतना इकट्ठा क्यों किया तू, यदि तुम्हें इतनी चिंता है कि उस पैसे ने न तुम्हारी नींद हराम कर दी, भोजन नहीं, जो रात में सोएगा नहीं वो दिन में क्या खाएगा। अब तुम एक रोगी होकर पड़ गए और रोगी के होने में कारण क्या रहा, धन पैसा, क्योंकि घर में रख नहीं सकते, किसी दिन रेड हो जाए बाहर फेंक नहीं सकते, कहीं कहां ले जाए उसे। अब मुसीबत आ गई है तो वो बचा हुआ है, कोई उपाय बताओ, उपाय क्या है, कुएं में डाल दो उठाएगा भाई किस काम आएगा। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता, जो रातों दिन उसके इकट्ठा करने में लगा हुआ है वो आदमी ये नहीं सोचता कि ये मुझे क्या देगा। और यदि आप सोचो आप संग्रह वृत्ति से परिग्रह वृत्ति से मुक्त हो जाओ तो क्या आपको कभी दुख मिल सकता है, और समाज दुखी हो सकता है क्या, नहीं होगा। यदि व्यक्ति होर्डिंग न करे तो समाज कभी दुखी नहीं हो सकता। भारत आज दुनिया में एक गरीब देश के रूप में जाना जाता है, गरीब देश के रूप में, और भारतीय नेताओं के जितने रुपए विदेश में जमा है यदि वो रुपए भारत में आ जाए तो इसकी सारे कर्ज पूरे कर सकते हैं जो विदेशों से इकट्ठा किया है। लेकिन नहीं, और वो विदेश में जमा करने वाले कुछ तो मर गए और कुछ मरने के रास्ते पर है, उसे पूछो तुम्हें किस काम आएगा। लेकिन नहीं, क्या कहा जाए, यहां लोग
आप सोचो ऊपर से लेकर जो चोटी पर बैठा हुआ है जिसको आप राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर किस कहो, वहां से लेकर चपरासी तक आज लूट में लगा हुआ है और सब देख रहे हैं। और उनके सामने जाओ तो इतना अच्छा आपको उपदेश दे देंगे, क्या पूछना। और उनसे पूछो कि भाई इसको लेकर करोगे क्या तुम, लेकिन नहीं, वो भर्तृहरि वाली कहानी तृष्णा निजरणा वे में उजरणा, कहते तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई हम बूढ़े हो गए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जब किसी तरफ आपका मन दौड़े तो आप मन से पूछो कि उसको लेकर क्या करोगे तुम, तुम्हारे कोई काम की वस्तु है, काम की वस्तु है तो जरूर लो, उससे तुम्हारा उत्थान होगा, यदि उत्थान होगा जरूर लो। इसीलिए भगवान ने कहा बंधुरात्मा मनस्तस्य एवैव आत्मा आत्मनाजित है, जिसने अपने द्वारा अपने आप को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र हो जाता है, बंधु हो जाता है। आपने अपने आप को जीत लिया क्या? यहां तो कदम कदम पर हार रहे हैं, कदम कदम सरेंडर कर देते हैं किसके सामने, जिसकी कोई कीमत नहीं है उसके सामने सरेंडर करते हैं। एक व्यक्ति व्यक्ति के सामने सरेंडर कर दे तभी शोभा देता है, लेकिन आप सरेंडर किसके सामने करते हैं? कागज के टुकड़ों के सामने इसके सामने सरेंडर होते हैं, कागज के टुकड़ों के सामने जिसका कोई मूल्य नहीं है, मिट्टी का मूल्य है। और आप जानते हैं ना दुनिया में जो बहुत आवश्यक वस्तु है वो आपको परमात्मा ने फ्री दिया है, और जो उससे कम आवश्यक है उसका कुछ मूल्य लगा है, लेकिन जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है वो सबसे मूल्यवान चीज है दुनिया में। सबसे मूल्यवान चीज क्या है? जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको देखते जाओ, आप रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के? नहीं रह सकते। एक क्षण जी सकते हैं? नहीं जी सकते। इसका क्या पेमेंट करते हैं आप? दिन भर जो ऑक्सीजन लेते हैं आप कोई पेमेंट देते हैं? कुछ नहीं देते। अरे पहले तो इसकी शुद्धि के लिए सवेरे उठ करके यज्ञ करते थे, अब वो भी बंद हो गया। सवेरे उठ करके जो यज्ञ करने की प्रक्रिया थी किसके लिए थी? कृतज्ञता प्रकट करते थे इस एटमोस्फियर के प्रति, इस ऑक्सीजन इस वायुमंडल के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते थे। और वायुमंडल के निर्माण में चार देवताओं का मुख्य स्थान होता है, चार देवताओं का, इसलिए उन चारों देवताओं के नाम पर आहुति डालते थे चारों देवताओं। सूर्य का मुख्य स्थान है, वायु का मुख्य स्थान है, अग्नि का मुख्य स्थान है और वरुण का मुख्य स्थान है। इन चार देवताओं का मुख्य स्थान है और इनके नाम पर आहुति डालते थे। क्या कहते थे? इदम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने, इदम नमः, यही कहते थे। अग्ने स्वाहा, अग्नि के लिए समर्पण है, ये अग्नि का है, मेरा नहीं है। वायवे स्वाहा, इदम वायवे, इदम नमः। सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय, इदम नमः, यही कहते थे। अब वो बंद हो गया। अब उस दाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी हम तैयार नहीं है, वो भी भूल गए, उसको व्यर्थ का काम मान लिया, जबकि वो बहुत सार्थक काम था। एक बात हो गई, और बिना उसके हम जी नहीं सकते, वो फ्री मिल रहा है। उससे कम कीमती है पानी, हवा के बिना तो नहीं रह सकते, पानी के बिना तो रह सकते हो थोड़े दिन, लेकिन अधिक दिन तक नहीं रह सकते। पानी सबसे सस्ता है, है सस्ता नहीं? सबसे सस्ता पानी। हमारे यहां शास्त्रकारों ने बताया कि यदि तुम्हारे घर पर अतिथि आ जाए और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास दो चीज तो है ना, मीठी वाणी, एक लोटा पानी, वो दे दो। आइए जी, विराजिए जी, जल पीजिए जी, क्या गया तुम्हारा? लेकिन नहीं, इतना भी नहीं लोग कर पाते। तो अब पानी से और कम कीमती है, अन्न कम आवश्यक है, बिना अन्न के आदमी रह जाता है, बहुत दिनों तक रह जाता है, उसकी पानी से जरा ज्यादा कीमत है। ऐसे नापते जाएं आप, और अंत में आपको आएगा सामने धातु, सोना, चांदी, हीरे, आग,
इनकी कोई आवश्यकता है आपको? और वो आदमी इस दुनिया में बिना उसके रह रहे हैं और सुख से रह रहे हैं, लेकिन सबसे कीमती वही है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो सबसे मूल्यवान है। और यदि वो आपके पास हो और अन्न पानी न हो तो आप मर जाए भूखे, न उसे खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न ओढ़ सकते हैं, न बिछा सकते हैं, आपके किसी काम में आने वाला वो पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए मरते रहते हैं, उसी की चिंता में लगे रहते हैं। और आज करके कागज के नोट, भला इनकी कौन सी उपयोगिता है आपके लिए, जिनको बंडल के बंडल इकट्ठा करके रखते रहते हो, कोई उपयोगिता है? बैंक में पड़ा हुआ है इतनी है ना, बैंक में है, प्रयोग तो कोई दूसरा कर रहा, आप तो भी नहीं कर रहे, केवल अपने अहम की तुष्टि के लिए रात दिन भर रहे हैं। तो भगवान पूछते हैं कि क्या आपकी आत्मा ने अपने आप को जीत लिया है? देखो, ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, ट्राई टू सी इनसाइड, कोशिश करो अपने अंदर देखने की। यदि अंदर देख करके तुम्हारा मन कहे हां हम जीत लिए अपने आप को, फिर तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारा बंधु है, फिर तो तुम्हारे उत्थान में हेतु बन जाएगी, फिर तो तुम अपने उत्थान में सक्षम हो जाओगे। एक बात याद रखो, काम करने की कई दृष्टियां हैं, कई दृष्टियां, आप लोगों ने सुना होगा इस समय दुनिया में सबसे बड़ा देश, सबसे धनी देश जापान है। जापान से अधिक धन किसी देश के पास नहीं है, अमेरिका भी उसका कर्जदार है, अमेरिका भी उसका कर्जदार है, किसका? जापान का। और जापान एक छोटा सा देश है, घनी आबादी वाला देश है, नेचुरल सोर्सेज नाम की वहां कोई चीज नहीं है। आप जरा सोचिए, जो लोग लकड़ी की नाव बनाकर उसके ऊपर 6-6 इंच या 8-8 इंच मिट्टी डालकर उसके ऊपर धान बो करके, आपने सुना है कि नहीं? हाँ, खेती कैसे करते हो? जमीन खेती वाली तो है नहीं, बहुत थोड़ी सी है, तो उनके खेती का जरिया क्या है? लकड़ी के नाव बनाते हैं जो समुद्र में है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, और उस नाव के ऊपर मिट्टी डालते हैं और उस मिट्टी के ऊपर खेती करते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं। ऐसा देश जिसके पास नेचुरल सोर्सेज नाम का कोई साधन नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश है। और भारत जिसके पास दुनिया का सबसे अधिक नेचुरल सोर्सेज है, वो दुनिया में गरीब देश कहा जाता है। और मैं भी विदेशियों से बताता हूं कि इंडिया इज ए रिच कंट्री बट पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल, भारत एक बहुत समृद्धशाली देश है जो गरीबों द्वारा आबाद है। गरीबों द्वारा आबाद क्यों भाई? इसलिए कि नेचुरल सोर्सेस तो हैं, उनका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले चाहिए बुद्धि, क्या वो तो बहुत है हमारे यहां, यहां तो हर एक आदमी बुद्धिमान है, हर एक आदमी फिलोसफर है, और दूसरा उसके लिए चाहिए श्रम, बोले यहां भी बहुत श्रमिक है। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में तो श्रमिकों की मार्केट लगती है, उसको लेबर मार्केट कहते हैं, पता नहीं यहां लगती कि नहीं लगती, है ना? श्रमिकों की कमी नहीं है, बुद्धिमानों की कमी नहीं है, नेचुरल सोर्सेज की कमी नहीं है, कमी किसकी है जानते हो? कमी किसकी है? प्रबंधक, गुड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहां संपत्ति के चार हेतु बताए गए हैं, नेचुरल सोर्सेज, एबिलिटी एंड लेबर, इन तीनों के साथ होना चाहिए गुड ऑर्गेनाइजेशन। बट देयर इज नो गुड ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो गुड गवर्नमेंट। आज से नहीं, 47 वर्षों से हम रो रहे बैठे बैठे, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आप लोगों में से कोई कभी बिहार गया हो तो देख सकता है
नेचुरल सोर्सेज बिहार की पहाड़ियों में भरे पड़े हैं, कोयले की खदान वहां है, सुना होगा, सारे भारत में वहां से कोयला जाता है, और बहुत से नेचुरल सोर्सेज है, और सबसे गरीब प्रांत वो है, और वहां के मजदूर आप चाहे भारत के किसी कोने में देख लो, और वहां पर मीलों चले जाइए, मीलों आपको बंजर भूमि के सिवा कुछ नहीं मिलेगी, मीलों, यदि वहां पानी की व्यवस्था कर दी जाए, उनको वहां खेती करने की व्यवस्था दे दी जाए, तो ही वो अमीर बन जाएंगे, फिर उनको दर दर दौड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो है वैसे उनके लिए सरकार मिल जाती है, यथा प्रजा तथा राजा। आप सोचिए पहले, वहां हमेशा ओटबाजी होती है जाति के नाम पर, हमारे जाति का दुष्ट आदमी है लेकिन है तो हमारी जाति का, उसको हम वोट देंगे, और अच्छा आदमी हमारी जाति का नहीं उसे वोट नहीं देंगे, इसलिए वहां पर कैसे कैसे शासक हुए हैं अब तक देख लीजिए, 47 वर्षों की देन है वो। तो मैं आप लोग क्यों नहीं बता रहा था कि मनुष्य के जीवन के विकास में जिन पदार्थों की अत्यंत आवश्यकता है वो बड़ी आसानी से उसे प्राप्त हो सकते हैं यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो, और जिन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए वो मरता रहता है, यही उसके दुख का मूल हेतु है। भगवान ये समझा रहे हैं कि पहले तुम अपनी बुद्धि से काम लो और बुद्धि से हर एक वस्तु को देखो जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो, क्या वो तुम्हारे लिए उपयोगी है, यदि उपयोगी है तो बहुत अच्छी बात। एक व्यक्ति को शौक आया एंटीक इकट्ठा करने की, एंटीक, एंटीक जानते हो पुरानी चीजें, वो जहां कहीं बाजार में जाए तो जो पुरानी चीजें मिले उसको खरीद ले वो, और एंटीक बड़े महंगे बिकते हैं, कोई चीज यदि पुरानी हो जाए तो बहुत महंगी बिकती है वो। अब एंटीक खरीदने की उसे शौक हो गया, जहां जाए कोई पुरानी चीज ले आवे अपने कमरे में रख दे, अब कुछ वर्षों के पश्चात उसका कमरा जो था वो क्या बन गया, कबाड़खाना, कबाड़खाना बन गया, और जितनी वो चीजें इकट्ठा किया जिस पर पैसा खर्च किया उसके उससे कोई लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं, कबाड़खाना कमरा बन गया, गंदगी का ढेर लग गया क्योंकि सारी पुरानी चीजें लाकर वहां रखा और मिला कुछ नहीं, और ऐसे पूछो भी ऐसा क्यों करते हो, कहता मेरी हॉबी है ये। अब आप सोचिए, ऐसे बिना मतलब के काम में मनुष्य अपनी जिंदगी बिताता है। गीता आपको यह सिखाती है कि कोई भी काम करना हो पहले उस पर विचार करो, बिना सोचे यदि तुम काम करोगे, बिना सोचे संग्रह करोगे, बिना सोचे किसी वस्तु के लिए भरोगे, किसी पदार्थ की कामना करोगे, तो तुम्हें दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो दुख से बचा सके, याद रखो, और कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारा उद्धार कर सके, माने तुम्हें ऊपर उठा सके, तुम अपने आप को नीचे गिराने में तत्पर रहोगे। और यदि तुम अपने ज्ञान से काम लिया, विवेक से काम लिया, बुद्धि से काम लिया, और जो आवश्यक वस्तु है उसका संग्रह करो, जो व्यर्थ की वस्तु है उसका त्याग कर दो। पैसे की उपयोगिता है, हमारे यहां योग दर्शन में, योग शास्त्र की बात इसलिए मैं बता रहा हूं, योग शास्त्र में इस प्रकृति के पदार्थ को भोग और अपवर्ग की पूर्ति के लिए बताया गया है। पतंजलि कहता है भोगापूर्वार्थम दृश्य, ये दृश्य जगत जो है ये बड़ा उपयोगी है। लोग कहते हैं दुनिया तो पाप के घर है, नहीं ना ना ना, ना। ये विश्व तो परमात्मा की विभूति है, क्या है, परमात्मा की विभूति, यहां कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं है, या व्यर्थ का नहीं है, परमात्मा की विभूति व्यर्थ कैसे हो सकती है, और यह परमात्मा की विभूति तुम्हारे कल्याण के लिए है। लेकिन जब तुम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे उसका संग्रह करने लगते हो तो वही तुम्हारे दुख में हेतु बन जाती है, जो सुख का हेतु है वही दुख का कारण बन जाता है। आप जरा कल्पना करो, ये दुनिया की जितनी चीजें हैं इसमें से कौन ऐसी वस्तु है जिसका धर्म दुख है, किसी का नहीं। दुनिया में पांच ही चीजें तो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये और कोई घड़ी वस्तु है,
जितने धातु है पृथ्वी के वेरिएशन है और क्या है, इन पांचों में कौन ऐसा वस्तु है जिसका परिणाम दुख हो, जिसका स्वभाव दुख हो, जिसका यानी नेचर जिसके दुख हो, कोई नहीं है। ये सब दुख के साधन नहीं है, याद रखो। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि ये दुनिया जो है तो आनंद का स्रोत है, क्योंकि हमारे यहां वेदांत में समझाया गया आनंदात् खलेमान भूतानि जायन्ते, ये आनंद में परमात्मा की विभूति है, परमात्मा से यह दुनिया प्रकट हुई है, परमात्मा में ही अवस्थित है, परमात्मा में ही लीन हो जाती है। यह दुख रूप कैसे हो सकती है? हां, बौद्धों ने दुनिया को दुख रूप माना। और जो आजकल हमारे यहां यह प्रथा चल पड़ी ना कि संसार तो दुख का घर है, ये बौद्धों की देन है, वैदिक साहित्य में नहीं है ऐसा। कहीं वैदिक साहित्य में तो इस दुनिया को परमात्मा की विभूति बताया गया है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो त्रिष्ट पश्चात भूमतो पुर, ये वेद का मंत्र है। उसमें बताया ये विराट विश्व परमात्मा से प्रकट हुआ है, इसलिए तो परमात्मा स्वरूप है। यहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है, तो दुख कहां से आता है? उसके दुरुपयोग से। जो वस्तु जिसके लिए है उसके विपरीत यदि तुम उसका प्रयोग करोगे तुम्हें दुख होगा। अग्नि न हो तो आपका जीवन रह सकता है? नहीं रह सकता। और अग्नि में कूद कर आप यदि जलना चाहे तो अग्नि क्या करेगी? सोचो पहले। अग्नि आपके जीवन का साधन है, लेकिन आप अग्नि में कूद कर जलना चाहे तो अग्नि क्या करेगी? विचार बताओ, मना करेगी क्या? नहीं। अग्नि सुख का साधन है, दुख का साधन नहीं है, लेकिन आप जाल कर उसमें हाथ डाल दे तो फिर दुखी होंगे। पानी बिना आप रह सकते हैं? क्षण नहीं रह सकते, बिना पानी के शरीर ही नहीं रहता। यदि आपको उल्टी या कहीं आ जाए, कोई रोग हो जाए, पानी निकल जाए तो एक बार नाम से हो जाएगा, तुरंत पानी चढ़ाते हैं, तो बिना पानी के आपका शरीर नहीं रह सकता। लेकिन आप जब पानी में छलांग लगाकर डूब कर मरना चाहे तो पानी क्या करेगा? जो वस्तु आपके सुख के लिए है, आपके हित के लिए है, आपके कल्याण के लिए है, उसी का यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो पदार्थ क्या कहेगा? इसमें पदार्थ का कोई दोष नहीं है। इसलिए याद रखो, दुनिया में जितने पदार्थ हैं सब मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य को दुख देने के लिए नहीं है वो। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के दुरुपयोग से उससे दुखी होता है। दुख में कारण वो पदार्थ नहीं, दुख में कारण मनुष्य की दुर्बुद्धि है, समझे? अब भगवान यही समझा रहे हैं कि यदि तुमने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को जीत लिया तब तो यह संसार तुम्हारे लिए सुख का साधन बन जाएगा, तुम्हारा बंधु हो जाएगा। और यदि तूने अपनी बुद्धि के प्रकाश में अपने आप को नहीं जीता तो यही संसार तुम्हारे लिए विपत्ति में हेतु बन जाएगा, तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। संसार शत्रु कब बनता है? जब तुम अपने आप को जीतने में समर्थ नहीं होते, जब तुम पराजित हो जाते हो। किससे पराजित होते हो? दूसरे से नहीं, अपने आप।